यूं तो हमारे देश ने कई आतंकवादी हमले झेले हैं और ऐसे हमलों में हमारे देश के कई सपूत वीरगति को प्राप्त भी हुए हैं। कुछ याद उन्हें भी करो जो लौट के घर ना आए। लेकिन हर बार हमारे देश ने इन आतंकियों को और उनकी आकाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसा ही एक हमला मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुआ था, जहां आतंकियों ने अपनी चरम सीमा की कायरता दिखाई, वहीं हमारे देश के जांबाजों ने अपनी जान देश और देशवासियों के लिए बहादुरी के साथ कुर्बान कर दी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए जाबाजों को श्रद्धांजलि देते हुए मुंबई से सटे वसई तालुका के विरार पुलिस थाने में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां लगभग 100 से अधिक लोग हिस्सा लेते दिखाई दिए। इनमें पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि यह रक्तदान कैंप पालघर जिला पुलिस दल द्वारा 26/11 के हमलों में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि हेतु आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में पालघर पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक राज तिलक रोशन के मार्गदर्शन में यह कैंप सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। वहीं इस शिविर की समाप्ति तक उप विभागीय पुलिस अधिकारी जयंत भजबड़े की उपस्थिति ने पुलिस कर्मचारियों का और आम जनता का मनोबल बढ़ाए रखा। इसी तरह विरार पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक यूनुस शेख ने रक्तदान कर लोगों को रक्तदान करने का प्रोत्साहन दिया। यह कैंप शाम 4 बजे तक चलता रहा और बड़ी संख्या में जनता ने इसमें हिस्सा लेकर 26/11 के हमलों में शहीद हुए हमारे वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। जय हिंद, जय हिंद।